गुड इवनिंग एवरीवन, ये हमारा रेल परिवहन में दूसरा चैप्टर है। अगर आपने पहला चैप्टर अभी तक नहीं देखा हो तो पहले चैप्टर देखिए, उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर। पहले चैप्टर में बताया है कि भारत में कितने जोन या मंडल हैं, उनकी संख्या कितनी 17 है, और एक ट्रिक है 24 याद करने की। आप यहाँ पर अब दूसरे चैप्टर की बात करें, अब रेल परिवहन की बात करें, सबसे पहले देखते हैं कि भारत में या विश्व में पहली बार ट्रेन कहाँ और कब चली। तो विश्व की बात करें, विश्व में सबसे पहले कब चली, 1825 किसके बीच में, लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में। ये कहां पर है आपका मैप में, ये यूरोप कंट्री है यूनाइटेड किंगडम, यहां पर है आपका लिवरपूल और मैनचेस्टर, इनके बीच में पहली ट्रेन चली विश्व की। अब बात करें भारत में, तो भारत में पहली ट्रेन कब चली, भारत में 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन चली। इसका श्रेय किसको जाता है, लॉर्ड डलहौजी। 1853 के समय अंग्रेज भारत में अंग्रेजों का शासन था, और उस समय गवर्नर जनरल कौन, डलहौजी थे, और भारत में रेल सुविधा प्रारंभ का श्रेय किसको जाता है, डलहौजी को ही जाता है। फिर उसके बाद आगे बढ़े, 1905 जो भारत में रेल सुविधाएं थी बस नाम मात्र की थी, बस कहीं कहीं जहां पर अंग्रेजों ने अपने, जहां पर अंग्रेजों को लगता था यहां पर हमारा फायदा है, बस उन्हीं जगह पर ही ट्रेन चलाई। एक चीज और बताना भूल गई, मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर पहली ट्रेन चली यहां पर भारत में। 1905 में एक रेलवे बोर्ड 1905 में भारत में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई, इसको रख कर है। जब भारत में पहली बार ट्रेन चली तो उस समय ट्रेन कौन सी थी, भाप इंजन वाली थी, और सब भाप इंजन कोयला इंजन से चलने वाली थी, सब की सब कोयला इंजन से चलने वाली थी। 1930 उसके बाद डेट आती 1921 में एक समिति बनी, एटवर्थ कमेटी का गठन किया गया। एटवर्थ कमेटी के अकॉर्डिंग इसने अपनी रिपोर्ट 1925 में इसमें रेल बजट और आम बजट को अलग अलग कर दिया गया, तब से रेल बजट अलग और आम बजट दोनों अलग अलग आने लगे। फिर अगेन 1930 भारत की पहली भारत की पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन चलाई, कहां पर, ये भी मुंबई से पुणे के बीच में 1930 में बिजली से चलने वाली ट्रेन चलाई गई पहली भारत में। इसके बाद 1950 और आगे बढ़े तो 1950 में करें तो 1950 में जो भी रेलवे मंडल थे, पहले रेल मंडल की संख्या कितनी थी, 9 थी, उसके बाद कितनी हो गई फिर 17। तो रेलवे मंडल जितने था उनका राष्ट्रीयकरण किया जाएगा 1950 को। अब ये कुछ डाटा हो गया, इसका आगे बढ़े तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है लंबाई की बात करें तो कहां पर, अमेरिका में सबसे ज्यादा रेल की लंबाई कितनी है, 2,50,000 किलोमीटर समथिंग। इसके बाद आता आपका चीन में कितनी है, 1,00,000 किलोमीटर। इसके बाद रूस में इसकी लंबाई है 85,050 किलोमीटर लगभग, और भारत में
66,030 किलोमीटर। सभी बुक में कि भारत विश्व में दूसरे नंबर पे आता है व्यवस्था के मामले में, मगर यहाँ पर फोर्थ नंबर पे है। ऐसा क्यों होता है वो बता रहा हूँ बस। अब देखिए यहाँ पर तो लंबाई के अकॉर्डिंग बात हो गई, मगर ट्रेन में कितने लोग सफर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग व्यवस्था चेक की जाती है। अगर अमेरिका की बात करें तो इसमें कितने 35,000 लोग ट्रेन से आना और जाना करते हैं। वहीं चीन की बात करें तो ये आपके 1.8 बिलियन। रूस की बात करें, रूस की मैं करें 2.8 बिलियन। 1 बिलियन बराबर कितना होता है 10 लाख। 1 बिलियन बराबर कितना 10 लाख। वहीं भारत की बात करें, भारत में कितना है 8 बिलियन, मतलब 80 लाख। 80 लाख लोग भारत में ट्रेन से सफर करते हैं, और बाकी जगह अमेरिका में देख चुके हैं आप कितने लोग, चीन में, रूस में। अगर अगर भारत के हिसाब से देखें पूरे विश्व में तो भारत कौन से नंबर है, दूसरे नंबर है। तो पहले नंबर कौन है, तो पहले नंबर में आपका जर्मनी। जर्मनी में एक ऐसा देश जहां पर 99% लोग एक जगह से दूसरे स्थान जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। जर्मनी में कितना 99%, और भारत में कितना 8 बिलियन। अगर बात करें विश्व में भारत का कौन सा नंबर है, तो दूसरा, ये हो गया दूसरा, भारत का दूसरा। अगर एशिया में बात करें तो भारत में कौन सा नंबर है, पहला, एशिया में पहला और विश्व में दूसरा। अब उसके बाद कुछ आती मेट्रो, मेट्रो भारत में मेट्रो रेल सुविधाएं कब हुई, 1972 का बिल पास हुआ था, और 1974 से स्टार्ट हुई थी भारत में पहली। कोलकाता मेट्रो रेल 1974 में पहली बार चली, उसके बाद दिल्ली मेट्रो 25 दिसंबर 2002 में। बेंगलुरु मेट्रो की बात करें तो 20 अक्टूबर 2011 ये, इस मेट्रो का नाम क्या था, नंपा मेट्रो। ये किसकी सहायता से चल रही थी, ये जापान ने जब सहयोग किया तो मेट्रो रेल की स्थापना हुई, जिसका नाम पड़ा नंपा, और यहां से चली। फिर सबसे लास्ट में चली कहां, मुंबई, 8 अक्टूबर 2014। इसके बाद दो जगह और आती हैं जो प्रारंभ की गई, पहली जयपुर और चेन्नई, मतलब कुल अभी तक 5, 4, 5, 6 भारत में 6 जगह मेट्रो रेल सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे पहली मेट्रो रेल कहां चली, तो सबसे पहले बात करें तो 10 मई 1963 में सबसे पहले कहां चली, लंदन में चली, और ये कितनी, इसकी दूरी कितनी थी 402 किलोमीटर, मगर इसके बाद आई सिंघाई। सर्वप्रथम भारत पूरे विश्व में सबसे लंबी मेट्रो रेल कौन सी कहां थी, लंदन, 402 किलोमीटर, मगर इसके बाद चीन के संघाई, चीन के संघाई में 433 समथिंग लगभग, डाटा थोड़ा सा लगभग, चीन में सबसे बड़ी मेट्रो रेल कहां पर है, विश्व की सबसे बड़ी मेट्रो रेल कहां पर है, चीन में, दूसरे नंबर कहां, लंदन में है। और आगे बात करें तो भारत में सबसे तेज गति चलने वाली ट्रेन कौन सी है, गतिमान एक्सप्रेस, ये कब चली, 2016, जब 2016 में गतिमान एक्सप्रेस आई, इसका अधिकतम स्पीड कितनी 160 किलोमीटर रखी गई। अब आगे बढ़ती है, अगर एक ये 2016 तक सबसे स्पीड वाली थी, इसके पहले कौन सी थी, इसके पहले थी आपकी जन शताब्दी।
जन शताब्दी ट्रेन आपकी की सबसे स्पीड चलती थी किससे पहले, गतिमान से, यह फर्स्ट हो गया, कौन सी हुई सेकेंड हो गई। ये कहां चलती रही, भोपाल से दिल्ली, भोपाल से दिल्ली की भी जन शताब्दी एक्सप्रेस चलती थी जो पहले 2016 के पहले सबसे तेज गति से चलती थी। अब भारत में सबसे लंबी गति या फिर दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी, पहले डिब्रूगढ़ जो कि पड़ता असम, कन्या कुमारी, इसकी लेंथ कितनी है 42 86 किलोमीटर। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है एक ट्रेन कितने किलोमीटर, 42 46 मतलब 4286 किलोमीटर। इसका नाम क्या है, विवेक एक्सप्रेस। भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है दूरी तय करने वाली, विवेक एक्सप्रेस, जो कहां से डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। अब इसके बाद कुछ एक चीज और आती है, दुग्रित द्रुत द्रुतगित द्रुतगित योजना। द्रुतगित योजना क्या है, 2015 से चालू योजना चालू हुई है जिसके अंतर्गत भारत में जितनी रेल सुविधाएं हैं उनको और अच्छे से बनाना। इसमें जापान का बहुत सहयोग था, जापान मुंबई से कुर्ला से होते हुए साबरमती तक जाएगी। यहाँ इस ट्रेन में अधिकतम अभी तक डिब्बों की संख्या कितनी 10 रखी गई है, इसकी अधिकतम अभी फिलहाल में स्पीड 320 किलोमीटर रखी जाएगी जो कि बाद में 350 किलोमीटर हो जाएगी। ये थी आज रेल परिवहन के ऊपर दूसरा चैप्टर, आज भी एंड हुआ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और कंटिन्यू देखते रहें। इसके बाद हो सकता है शायद नदियों का प्रवाह तंत्र सिंधु सतलज या फिर सिंधु सतलज गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र, इसके बारे में नया चैप्टर आएगा। थैंक यू।